ये टॉपिक पीटीबी की बुक से लिया गया है, सेकंड ईयर की बुक से ये टॉपिक उठाया गया है, ठीक है जी। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमें क्या बातें डिटेल में आनी चाहिए, हम इस बुक के हवाले से बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके जरिए मेल अपनी नस्ल पैदा करवा सकते हैं। याद रखिएगा मेल ह्यूमंस की बात हो रही है और ये सेक्सुअल मेटिंग की बात होगी कि सेक्सुअल मेटिंग के जरिए एक मेल अपनी नस्ल पैदा करवा सकता है, तो हमें उसी सेक्सुअल पार्ट को डिस्कस करना है, ठीक है जी। मेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट में गोनेड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एसेसरी ट्यूब्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्गन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। गोनेड्स के बारे में हमारे पास नॉलेज ये होना चाहिए कि मेल के पास पेयर ऑफ टेस्टिक्स होते हैं, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो मेल के पास मौजूद है, ये बॉडी के बाहर है, ठीक है। एसेसरी ट्यूब्स में हमें एपिडिडिमस और वैस डिफरेंस का पता होना चाहिए, ये टेस्टिस जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है उसी के साथ ये ट्यूब्स अटैच होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्गन वो पार्ट है जहां से मेल अपने स्पर्म फीमेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, या वो यूरिन पास करता है अपना यूरिनेशन के दौरान या सेक्सुअल मीटिंग के दौरान स्पर्म ट्रांसफर कर देता है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्गन, ठीक है जी। अब एक फ्लो चार्ट है छोटी सी, वो समझ लें कि टेस्टिस वो पार्ट है मेल का जहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन होती है। स्पर्म बनने के बाद टेस्टिस से निकलते हैं और पहले ट्यूब जो टेस्टिस के बाहर है एपिडिडिमस वहाँ जाते हैं, देन वैस डिफरेंस में जाते हैं, देन मेल कॉम्पुलेटरी ऑर्गन से आउट हो जाते हैं स्पर्म, ठीक है जी। सबसे पहले हम टेस्टिस को डिटेल में स्टडी करेंगे कि टेस्टिस क्या है और इनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। टेस्टिस जैसा कि मैंने आपको बताया बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, टेस्टिस एक थैली के अंदर पैक होते हैं जिसे सेक्रोटम कहते हैं, ठीक है। टेस्टिस के अंदर जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें लोब्यूल्स दिखाई देते हैं, एक टेस्टिस में 250 से 300 लोब्यूल हो सकते हैं। एक लोब्यूल के अंदर हमें एक से लेकर चार तक सेमिनिफेरस ट्यूब्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स आ गए और लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्स आ गए। मैंने एक लोब्यूल को बड़ा करके दिखाया है और उसके अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब को दिखाया है, लोब्यूल सेमिनिफेरस ट्यूब। अब कुछ सेल्स की बात करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर होते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स और साथ ही होते हैं सर्टोरी सेल्स, ठीक है। लोब्यूल के बाहर लैटिक सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। ये था हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टेस्टिस का कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो याद रखने के लिए आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्स, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, सर्टोरी सेल्स, लैटिक सेल्स का कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यह है कि स्पर्म प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होती है और फिर स्पर्म कैसे बनते हैं। देखिए स्पर्म बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप मेल के अंदर स्टार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है। हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिन निकलता है जो कि पिट्यूटरी के पास आता है, पिट्यूटरी से निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे ही लगा हुआ होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग और फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन निकलता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस के अंदर जाता है लैटिक सेल में, लैटिक सेल में जाके ये हार्मोन निकलवाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जाते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के पास, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स में जाकर ये इनकी माइटोसिस करवाते हैं। अब जब माइटोसिस होती है तो दो तरह के सेल्स बनते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए तो दोबारा जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जैसे ही हो जाते हैं और टाइप बी वाले जो हैं वो अपने आप को ग्रो थोड़ा साइज में बड़ा करवाते हैं और इन फ्यूचर में ये मियोसिस के जरिए स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं टाइप बी वाले, ठीक है। सबसे पहले बात है जब माइटोसिस होती है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स की तो दो तरह के सेल्स बनते हैं, उन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसके बाद जो टाइप बी वाले सेल्स होते हैं वो साइज में थोड़े बड़े और डिफरेंशिएट हो जाते हैं कि ये स्पर्म में कन्वर्ट होंगे, इन्हें कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनकी होती है मियोसिस वन, दो तरह के सेल्स बने, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स।
फिर होती है उनकी मियोसिस टू, चार तरह के सेल्स बनेंगे, इन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है जी। अब स्पर्मेटिड्स जो होते हैं नॉर्मल सेल्स जैसे होते हैं, स्पर्म नहीं होते। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो निकला था पिट्यूटरी से, वो आता है सर्टोली सेल्स के पास। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, इन स्पर्मेटिड्स को मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये स्पर्मेटिड है और ये स्पर्म है, सर्टोली सेल्स इन्हें स्पर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करते वक्त इनका न्यूक्लियस आगे की जानिब कर देते हैं और जो ऑर्गेनेल है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया टाइप में पीछे की जानिब, ये स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म बनने की बात करें तो एक एडल्ट इंसान एक दिन में तकरीबन 400 मिलियन स्पर्म बना लेता है, ठीक है, लगभग। तो इस तरह स्पर्म बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर। अब स्पर्म बनेंगे तमाम जो लोब्यूल्स हैं, तमाम लोब्यूल्स, ये तमाम लोब्यूल्स एक नाली से कनेक्टेड है जिन्हें कहते हैं रेटिनल टेस्टिस, ये यहीं पे होती है। मैं हल्का सा आपको आइडिया यहाँ पे देता हूँ, ऐसा एक नाली होती है जिसे कहते हैं रेटिनल टेस्टिस, ये तमाम लोब्यूल उससे कनेक्टेड है। स्पर्म बनकर है रेटिनल टेस्टिस के पास, रेटिनल टेस्टिस के बाद आएंगे एपिडिडिमस, एपिडिडिमस बिल्कुल बाहर एक ऐसे करके नाली में निकलती है। एपिडिडिमस में आके स्पर्म स्टोर भी हो जाते हैं और अगर आगे की तरफ बेचने हो तो आगे भी चले जाते हैं। एपिडिडिमस में आके स्पर्म आ गए, एपिडिडिमस से यहाँ से नाली निकल रही है ऊपर की जाने जाने ऐसे, इसे कहते हैं वैस डिफरेंस, ठीक है। वैस डिफरेंस की नाली कनेक्ट होती है ब्लेडर से और ब्लेडर से गुजरते हुए इरेक्शन ट्यूब में कन्वर्ट होती है और इरेक्शन ट्यूब से कॉपुलेटरी ऑर्गन में स्पर्म चला जाता है। याद रहे टेस्टिस से तो स्पर्म निकला, टेस्टिस से स्पर्म निकला, एक बात याद रखिएगा सर्टोली सेल्स के बारे में, स्पर्म जब बनना होता है तो उसको मैच्योर करवाते हैं, नरिश भी करते हैं, ठीक है। स्पर्म आया एपिडिडिमस में, एपिडिडिमस से जब वो वैस डिफरेंस से गुजरते हुए कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरफ जा रहा है, उस दौरान स्पर्म को तीन तरह के ग्लैंड्स रास्ते में मिल जाते हैं, सेमिनल कॉपर्स ऐसे ग्लैंड में देखने को मिल जाता है, ठीक है जी। सेमिनल ग्लैंड मिल जाता है, कॉपर्स ग्लैंड मिल जाता है हमें देखने में रस्ते में। तो ऐसे ग्लैंड जब स्पर्म को देखने में मिल जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी देखने को मिल जाता है, तो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं कि इसके अंदर वाटर एडिशन कर जाते हैं, पीएच मेंटेन कर जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ें होने के बाद स्पर्म एक सीमन में कन्वर्ट होता है, फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीमन निकलता है मेल के अंदर, सीमन की बात करें तो ये फ्लूइड है जो 5 ml एक अटेम्प्ट में मेल निकालता है, इतना सीमन निकालता है। 1 ml के अंदर 150 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक जनरल सा, एक इजी सा कॉन्सेप्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसकी डिटेल हमें आनी चाहिए। टेस्टोस्टेरोन के बारे में याद रखिएगा कि मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स जैसे कि दाढ़ी, बियर्ड, मस्टेशियस और वॉइस क्वालिटी को, जो वॉइस होता है सुधारी कर देते हैं टेस्टोस्टेरोन मेल्स में। तो ये थे हमारे पास की डिटेल, हमें याद रहना चाहिए कि पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है किसके पास, लैंगिक के पास, लैंगिक से टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल के पास आते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल डिवाइड होते हैं, बी टाइप के साथ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाते हैं, फिर वो मियोसिस वन करते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस टू की वजह से स्पर्मेटिड बन जाते हैं, सर्टोली सेल जिन्हें मैच्योर करवा देते हैं, स्पर्म बनवा देते हैं। ये है हमारे पास स्टेप वाइज डिटेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बनने के बाद ये रेटिनल टेस्टिस में आ जाते हैं, एपिडिडिमस में आ जाते हैं, एपिडिडिमस से वैस डिफरेंस के जरिए मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन से बाहर, रस्ते में तीन तरह के ग्लैंड्स भी मिल जाते हैं जो इसे सीमन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये थी हमारे पास काफ़ी डिटेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पीटीबी की बुक के लिहाज से ये टॉपिक लिया गया, तो इसलिए ज़्यादातर